तो यहाँ पे देखो एच और आर में हमें रिलेशन चाहिए था तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है एक नीचे हमारे पास देखो ये क्या है एक हेमी सॉलिड स्पेयर ठीक और जिसकी हमें जो हेमी इसको मैं पूरा लिख दूंगा सॉलिड स्पेयर इसकी रेडियस कितनी की वन हमारे पास देखो कैपिटल आर

ओरिजिन मानते हुए एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ कर लेता तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास वाई एक्सिस होगी ये हमारे पास देखो एक्स एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है दोनों एक्सिस जहां पे कट करती है वो हमारा ओरिजिन होता है तो आप देख सकते हो कि ये जो सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है इस पूरे कोन और हेमी स्पेयर का वो हमारा ओरिजिन पे आ जाएगा और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो कितने होते हैं जीरो कॉमा जीरो तो यहां से मैं कह सकता हूं कि इस पूरे सिस्टम का जो एक्स सेंटर ऑफ मास होगा वो भी जीरो आएगा और वाई सेंटर ऑफ मास क्योंकि ये ओरिजिन लाई कर रहा था तो ये भी हमारे पास जीरो होगा बट ऊपर वाली जो इक्वेशन एक सेंटर ऑफ़ मास जीरो होने से हमें आंसर नहीं मिलेगा क्यों क्योंकि अगर आप अलग अलग इंडिविजुअली देखते तो कौन का देखो ये सिमिट्री किसके है अलॉन्ग वाई एक्सिस है तो कौन का इंडिविजुअल जो सेंटर ऑफ मास होता लेट से यहाँ कहीं लाई करता ये कौन का सेंटर ऑफ मास है वो हमारा देखो उसका एक्स सेंटर ऑफ मास कोन का क्या होता जीरो होता क्योंकि कोन का जो सेंटर ऑफ मास है देखो इसी वाई एक्सिस पे लाइ कर रहा है इसी तरह से अगर मैं देखता हेमिस्फीयर का तो हेमिस्फीयर का अगर ये इसको मैं हटा दोगे हेमिस्फीयर का जो भी सेंटर ऑफ मास होगा देखो इसके सेंटर से हेमिस्फीयर का तो सेंटर पॉइंट ही होगा कितनी डिस्टेंस होगा नीचे 3r डिस्टेंस नीचे आएगा तो हेमीस्पेयर का जो सेंटर ऑफ मास है देखो इसी एक्सिस के तो लाई कर रहा है और ओरिजिन से नीचे है तो ये डिस्टेंस नेगेटिव लोगे तो अलग अलग इंडिविजुअली देखो इस हेमी स्पेयर का भी सेंटर ऑफ मास इंडिविजुअली कितना है जीरो तो यहां से हमें रिलेशन नहीं मिलेगा दोनों कोन और हेमी स्पेयर का अलग अलग सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ मास जीरो था इनका वाई सेंटर ऑफ मास हमें पता है अगर मैं इस बेस से आपको पता होगा अगर सॉलिड कौन होगा तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है, कितनी पे आता, उसकी h है तो इसी तरह से हमारे ऑफ मास तो होगा इसके बेस से कितनी डिस्टेंस पे नीचे है देखो ये डिस्टेंस y2 होगा और इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास थ्री आर बाई एट तो यहीं पे मैं बगल में वाई लिख देता हूँ ये डिस्टेंस कितनी है देखो y2 ये डिस्टेंस y2 टू हेमी स्पेयर का जो सेंटर ऑफ मास था देखो

तो आ जाएगा पाई आर स्कवायर इंटू उसकी हाइट कितनी है एच डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा थ्री ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम इन डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे आपको दोन का मास मिल जाएगा इसी तरह से अगर मैं हिमी स्पेयर का मास निकालता अब यहाँ पे देख सकते हो अगर ये पूरा फुल सॉलिड स्पेयर होता तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाता क्योंकि मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी है इसका वॉल्यूम आता हमारे पास देखो फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब अगर फुल स्क्वेयर होता तो ये वॉल्यूम आता हमें हेमी स्क्वेयर मतलब हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे इनटू डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो ये आ जाएगा हमारे पास हेमी सॉलिड स्क्वेयर का मास, तो यहाँ पे देखो एम टू ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे बचेगा टू बाई थ्री पाई डेंसिटी रो तो ये M1, M2 की वैल्यू आ गई और दोनों के जो सेंटर ऑफ मास है फ्रॉम द ओरिजिन ये जो Y1, Y2 होता है हमेशा रखना जब कंबाइंड सिस्टम होता है तो ओरिजिन से डिस्टेंस मेजर करते हैं तो ये आगे हमारे पास देखो एम वन यहां पर मैं नीचे लिख देता हूँ एमोन की वैल्यू कितनी है एमओन क्या था कौन का मास ये हमारे पास देखो एमोन की वैल्यू है मास ऑफ द कोन ए एम टू क्या था ये हमारे पास देखो ये सॉलिड हेमी सॉलिड स्फेयर का मास है तो m1 की जगह पे जब वैल्यू पुट करोगे आ जाएगा हमारे पास देखो πr² h divided by 3 डेंसिटी ये तो हमारे पास m1 की वैल्यू थी y1 देखो कितना है कोन का ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस h by 4 है तो इसको याद रखना चाहिए रिजल्ट सेंटर ऑफ मास का h by 4 इज इक्वल्स टू m2 कितना है 2 by 3 πr³

ये वैल्यू आगे इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई थ्री इंटू डेंसिटी इंटू एच बाई फोर इज इक्वल टू यहाँ पे देखो प्लस है ये माइनस है तो माइनस साइन आएगा उधर आएगा पॉजिटिव में बन जाएगा इसकी वैल्यू आ जाएगी टू बाई थ्री पाई आर क्यूब इंटू रो इंटू ये वैल्यू कितनी हो जाएगी थ्री आर बाई एट अब यहाँ पे देखो क्या क्या कैंसिल होगा बहुत सारे टर्म यहाँ पे कैंसिल होंगे ए पाई से पाई कैंसिल हुआ दूसरा देखो एक आर स्क्वायर से यहाँ पे आर क्यूब कैंसिल हुआ तो एक अभी आर बचा होगा यहाँ पे दूसरा यहाँ पे देखो एक थ्री से थ्री कैंसिल होगा अगर मैं यहाँ पे देखता इस टू को अगर मैं एट से कैंसिल करता तो यहाँ पे वैल्यू आती 4। अब आप देख सकते हो कि ये फोर से भी हमारे पास फोर भी कैंसिल हुआ डेंसिटी दोनों का सेम था डेंसिटी से डेंसिटी भी हमारा कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा है हमारे पास देखो एक एच और यहाँ पे एक एच क्या हो जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे कितना बचा है थ्री इंटू आर स्क्वायर कैसे एक आर अभी बचा था एक आर यहाँ पे है थ्री आर तो मल्टीप्लाई होकर थ्री आर स्क्वायर हो जाएगा अब आप देख सकते हो एच और आर में यहाँ से रिलेशन निकाल सकते हो एच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास देखो रूट थ्री इन आर आर क्या था बेस रेडियस दोनों का तो आप देख सकते हो एच डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल्स टू इसकी वैल्यू कितनी आ गई रूट थ्री तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एच बाई आर इज इक्वल्स टू रूट थ्री अब अपना ऑप्शन में चेक कर सकते हो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर वन होगा थैंक यू क्लास सिक्स टू ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे ही मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन ऐसी ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करे डाउट नेटअप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर